subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. Tag TV के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना वबा का तश्वीशनाक फैलाव जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 62 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 1792 अफराद में मर्ज की तशखीस हुई है। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। वज़ीर आज़म ने मुतनब्बे किया कि अगर भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की गलती की तो पाकिस्तान का मजबूत कौमी रद्द अमल आएगा। मसला फलस्तीन के हल तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। वजीर खारजा कहते हैं, मैंने वाज़े कर दिया है कि फलस्तीन और मसले कश्मीर पर हमारा मौकफ दुनिया पर आया है। पाकिस्तान ने भारतीय इश्तआल अंगेजी का मामला अक़वामे मुत्तहदा में उठा दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, भारतीय फौज ने अक़वामे मुत्तहदा के मुबस्सिरीन की गाड़ी को जानबूझकर निशाना बनाया, जिसका मकसद पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी लगता है। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर, आला तरीन क्वालिटी, 75% फूड ग्रेड अल्कोहल, नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वबा से जांबहक मरीजों की तादाद 9392 हो गई। एनसीओसी का कहना है कि इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के फाल केसों की तादाद 40491 है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 62 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 1792 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जिसके बाद मुल्क में मुसद्दिका मरीजों की तादाद 4,98,968 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में वबा से अब तक जाबहक मरीजों की तादाद 9392 हो गई है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 34,772 टेस्ट किए गए, जिसके बाद अब कोविड-19 टेस्ट की मजमुई तादाद 63,36,113 हो गई है। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मरीजों की सबसे ज्यादा तशखीस सिंध में हुई है, जहां मुसद्दिका मरीजों की तादाद सिंध में 2,04,840, पंजाब में 1,31,933, खैबर पख्तूनख्वा में 55,183, बलोचिस्तान में 17,926, इस्लामाबाद में 36,257, गिलगित बल्तिस्तान में 4,827 केसेस, जबकि आज़ाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 8,002 हो गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मोदी अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। भारत की किसी भी मुमकिन हरकत से आलमी बिरादरी को आगाह कर रहा हूं। खतरे का हर सतह पर जवाब दिया जाएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि दुनिया को एक बार फिर आगाह करना चाहता हूँ, भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इमरान खान ने खबरदार किया कि भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, कोई भी जारहियत की मुँह की खाएगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि एक बार फिर आलमी बरादरी को आगाह करता हूँ कि भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो पाकिस्तान का मजबूत कौमी जवाबी रद्द अमल आएगा, दुश्मन को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाना चाहता है। हमसाया मुल्क माशी बदहाली, किसानों के एहतजाज और कोरोना वायरस की वबा से निमटने में नाकामी जैसे मसाइल का शिकार है। आलमी बरादरी को एक बार फिर आगाह करना चाहते हैं कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। खबरदार करते हैं कि भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि सिर्फ रवां साल भारत ने LOC और वर्किंग बाउंड्री की 3,000 खिलाफ वर्जियाँ की,
92 खवातीन और 68 बच्चों समेत 276 मासूम शहरी भारतीय इश्तियाल अंगेजी का निशाना बने। वज़ीर आज़म का कहना था कि भारत ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जानबूझकर UN का निशान और नीला झंडा होने के बावजूद अक्वामे मुतहदा की गाड़ी पर फायरिंग की। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय इकदाम से जाहिर हो गया है कि रियासती जिम्मेदारी को मुकम्मल नज़रअंदाज आलमी कवानीन अक्वामे मुतहदा का एहतराम ना करना जाहिर करता है। पाकिस्तान भारत की इस जाबिराना रवैये की शदीद मज़म्मत करता है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हमें किसी के दबाव पर नहीं पाकिस्तान को सामने रखकर फैसले करने हैं। UAE वीज़ों की बंदिश आर्जी है, जल्द ख़त्म हो जाएगी। अरब इमारात की क़यादत बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्तान में मीडिया से बात करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुतहदा अरब अमारात के दौरे के दौरान उन्होंने अबू ज़हबी, शारजा और दुबई में पाकिस्तानियों के मुश्किलात पर बात की। पाकिस्तानियों के लिए मुतहदा अरब अमारात के वीज़ों का मसला आर्जी है, जल्द हल हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि मुतहदा अरब अमारात या सऊदी अरब भारत को पाकिस्तान पर फौकियत नहीं देते। बहुत जल्द अरब अमारात की क़यादत पाकिस्तान का दौरा करेगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमने अरब अमारात क़यादत से अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार पर बात की। इसराइल के बारे में अरब अमारात का मौक़िफ़ भी सुना और इसराइल से ताल्लुकात के बारे में वाज़े मौक़िफ़ पेश किया। हमें किसी के दबाव पर नहीं पाकिस्तान को सामने रखकर फैसले करने हैं। इसराइल से मुतालिक ना तो हम दबाव बर्दाश्त करेंगे और ना ही हम पर कोई प्रेशर है। मैंने वाजे कर दिया है कि फ़लस्तीन और मसला कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ दुनिया पर आया है। मसला फ़लस्तीन के हल तक इसराइल से ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। पाकिस्तान की जानिब से अक्वामे मुतहदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल के सदर को लिखे गए खत में कहा गया है कि अगर भारत की जानिब से कोई भी मुहिम जोई की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी के हवाले से अक्वामे मुतहदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल को खत लिखा है। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय फ़ौज की जानिब से UN मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप की गाड़ी पर हमले का मामला अक्वामे मुतहदा में उठा दिया है। भारतीय हमले का मामला UN में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने खत के जरिए उठाया। पाकिस्तान की जानिब से UN के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल के सदर को लिखे गए खत में कहा गया है कि भारतीय फ़ौज ने अक्वामे मुतहदा के मुबस्सिरीन और उनकी गाड़ी को जानबूझकर निशाना बनाया। हमले का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी लगता है। ताहम पाकिस्तान किसी भी भारतीय मुहिम जोई का मुंहतोड़ जवाब देगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब की जानिब से लिखे गए खत में भारत की जानिब से शहरियों को निशाना बनाने और LOC पर सीज फायर मुहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी से भी आगाह किया और UN पर जोर दिया कि भारतीय हमले की शफाफ तहकीकात की जाए। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.